नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं यानी आप लोग ऐसा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि फिर से बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से दो नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में वही नोटिफिकेशन पढ़ के दिखलाएंगे और आपको बताएंगे क्या उस नोटिफिकेशन में नया कुछ आने वाला है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट कर देते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप वीडियो को भावना में खो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर वही नोटिफिकेशन देख रहा है जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। रिलीज डेट की बात कर ले तो देख सकते हैं 20/2/2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, यानी 20 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। दूसरा नोटिफिकेशन भी सेम है, 20 फरवरी को रिलीज किया गया था, लेकिन उसमें भी जो जिला की बात किया उस चेंज कर दिया गया जो कि हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, क्या उसमें चेंजेस किया गया सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी जानकारी है आगे इस तरफ वीडियो में समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशन भी सेम दिया गया है। देख सकते प्रशासक कल्पना कुमार जो पदाधिकारी पंचायती राज विभाग के सेवा बताएगा, जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी लखीसराय, यानी जो जिला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले और लखीसराय जिले को लेकर जारी किया गया। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि हमारे जिले का तो नाम ही नहीं है तो हम वीडियो क्यों देखें, बट आप गलत है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो आए आपके जिले को लेकर आए तो अपडेट देखेंगे तभी तो मालूम चल जाएगा हाँ क्या अपडेट है। देख सकते बताएगा दूसरा जो दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी किया वो अलग जिला को लेकर जारी किया। ठीक है, वीडियो में बने रहेंगे, सारी जानकारी हम आपको बताते रहे। जैसे विषय में बताया गया वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय स्वीकृति संख्या 91 दिनांक 14/2/2023 के आलोक में ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के अनुग्रह अनुदान मद से कुल 8 लाख रुपये मात्र राशि का आवंटन किया गया है। ठीक है, जो पैसा जारी किया है पंचायती राज विभाग की तरफ से 8 लाख रुपये की मात्र राशि का आवंटन किया गया है। क्यों किया गया है तो देख सकते वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय स्वीकृति संख्या 91 दिनांक 14 फरवरी 2023 के आलोक में ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के अनुग्रह अनुदान मद से। ठीक है, इसमें बताया गया। चलिए महाशय में क्या जानकारी दिया गया, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या यानी 216 दिनांक 11/11/2019 के आलोक में विभागीय स्वीकृति संख्या 91 दिनांक 14 फरवरी 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी एवं लखीसराय के अनुग्रह अनुदान मद से मृत ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव का आश्रित को 4 लाख रुपये का मात्र प्रति इकाई के दर से कुल 8 लाख रुपये मात्र राशि का स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया जो भी है पूर्वी चंपारण मोतिहारी एवं लखीसराय के अनुग्रह अनुदान के मद से मृत यानी जो भी मृत यानी मौत हो जाए जो कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव का किसी कारण मृत्यु हो गई जिसके कारण 4 लाख रुपया दोनों व्यक्तियों के आश्रित को यानी दिया जाना है, उनके परिवार को दिया जाना है, जिसके कारण पंचायती राज विभाग की तरफ से पैसा जारी किया गया है। अगर आपके एक लाइक से एक शेयर से शेयर करेंगे तो इनके परिवार के पास इनके आश्रितों के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा ताकि उनको किसी प्रकार के दलालों को फेरा में ना पड़ना पड़े। ठीक है, ये आपके सपोर्ट से ही हो सकता है, हो सकता है आपके कोई भाई हो कोई रिश्तेदार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनके पास ये नोटिफिकेशन जाए ताकि उनके पास दलाल को फेरा में ना पड़ना पड़े। आप सबको पता है दलाल आते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए तो इस तरफ पैसा मंगा देंगे तो उस तरफ मंगा देंगे, हमारे यहाँ पहुँचे लेकिन कुछ होता नहीं है, बस पैसा ऐंठ लेते हैं। ठीक है, इसी बात को देखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं कि ज़्यादा शेयर कर ताकि इनके जो भी आश्रितें हैं परिवार है रिश्तेदार हैं उनके पास वीडियो जाए। आप देख सकते हैं कहाँ के हैं रहने वाले हैं क्या नाम है बताया दे सकते। दूसरे ने बताया उक्त विभागीय स्वीकृति संघ के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 8 लाख रुपये मात्र राशि का निरूपण आवंटित की जाती है, राशि रुपये में किया गया है। सबसे पहले बात करें मृत व्यक्ति के नाम है पता और पदनाम और आवंटित राशि। पहले ने बताया जैसे स्वर्गीय रीता कुमार जो अरुण कुमार चौधरी ग्राम कचहरी जनरेवा प्रखंड बंजारी जिला पूर्वी चंपारण के निवासी है जो क्या रह चुके हैं ग्राम कचहरी के न्याय मित्र रह चुके हैं जो कि उनके मृत्यु के जो भी है आवंटित राशि किया गया है 4 लाख रुपये किया गया। दूसरे ने बात जैसे स्वर्गीय कुमारी सभद्रा जो गंगा रजक ग्राम बलगुदर पंचायत बलगुदर थाना जिला लखीसराय के है। ठीक है, जो भी पहली जो बात किया गया है ग्राम कचहरी न्याय मित्र की पूर्वी चंपारण की है और जो दूसरी ग्राम कचहरी सचिव है जो कि लखीसराय जिले से आती है जो कि इनका नाम है स्वर्गीय जो कुमारी सभद्रा है जो कि इनको भी 4 लाख रुपया पंचायती राज विभाग की तरफ से भेजा गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अगर इस जिले से आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर ताकि इनके परिवार को और आश्रितों को पैसा मिल जाए और अच्छी तरह से किसी प्रकार के दलाल को फेरा ना पड़ना पड़े। देख सकते बताया गया, देख सकते चौथे नंबर बताया इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी सह निकासी एवं व्यय पदाधिकारी होंगे जो राशि के निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार से 2011 संसद आलोक के नियमों के करेंगे। ठीक है,
और इसमें बताया गया देख सकते पचन एवं इस आवंटित राशि का संबंध निकासी एवं व्यय पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS ऑफिस में उक्त हेड ऑफ अकाउंट विपत्र कोड इतना के यथाशीघ्र मैप कर लेंगे ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि का आवंटित भी की जा सके। ठीक है, तो ये हो गया पहला नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, जो ग्राम कचहरी के जो क्या है नया मित्र थे जो रीता कुमारी है, किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई है, जिनको 4 लाख रुपया पंचायती राज विभाग से भेजा गया है, और साथ ही साथ जो ग्राम कचहरी के सचिव थी कुमारी सुभद्रा जो उनको भी किसी कारण मृत्यु हो गई, जो कि 4 लाख रुपये उनको भेजा गया, टोटल 8 लाख रुपया। ठीक है, यह होगा पहला नोटिफिकेशन, सारा जानकारी इसमें वही बताएगा जो बाकी नोटिफिकेशन दिया जाता है। देख सकते हैं 17 बताया कि आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाए, यदि कोई छदमपुर या अनियमता निकासी होती थी इसकी पूरी जिम्मेदारी निकासी एवं पदकारी की होगी। ठीक है, पैसा जारी हो पंचायती राज विभाग की तरफ से, जो भी उनको पैसा देना है उनके परिवार को अच्छी तरह से छानबीन करके अच्छी तरह से दें, किनको देना है किनको नहीं देना है, किस तरह भेजना है अच्छी तरह से करके भेजें। ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशन सेम दिया गया है लेकिन वहां से डिटेल बदल दिए, चलिए हम दूसरा नोटिफिकेशन क्या जानकारी दिया गया दूसरा नोटिफिकेशन में हम आपको दिखलाते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन आपके डिस्प्ले पर दिखला जो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से दूसरा नोटिफिकेशन है, देख सकते बताया गया 20/2/23 को नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इसमें भी विषय में देखते थे वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय स्वीकृति संख्या 92 दिनांक 14 फरवरी 2023 के आलोक में ग्राम कचहरी नए मित्र हूँ ग्राम कचहरी सचिव को अनुग्रह अनुदान मत से कुल 8 लाख रुपया मात्र राशि का आवंटन किया गया। ठीक है, यानी इसमें भी दो व्यक्ति हैं जिनके ग्राम कचहरी के नए मित्र और ग्राम कचहरी के सचिव है, जिनको 4-4 रुपया के राशि से यानी दोनों व्यक्ति को 8 लाख रुपया यानी कि मात्र राशि का आवंटन किया गया है पंचायती राज विभाग से। जैसे तो इसमें बताया गया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या 216/11/2019 के आलोक में विभागीय स्वीकृति संख्या 92/14/2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला पदकारी अररिया के अनुग्रह अनुदान मद में मृत ग्राम कचहरी सचिव मृत ग्राम कचहरी न्याय मित्र आश्रितों को 4 लाख रुपया मात्र प्रति इकाई के दर से कुल 8 लाख रुपया राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, यानी इसमें भी दो व्यक्ति की मृत्यु हुई जिनको 4-4 रुपया दिया जा रहा है पंचायती राज विभाग की तरफ से, दोनों व्यक्ति का डिटेल्स यहाँ देख सकते बताया गया, मृत व्यक्ति के नाम और पदनाम और आवंटित राशि स्वर्गीय मोहम्मद अबुल लेंस जो श्री वतीवर्षण रहमान ग्राम की बात करते पंचायत सिसौना और वार्ड संख्या 12 के जामा मस्जिद प्रखंड जो कि हाटा जिला अररिया के हैं जो कि ग्राम कचहरी सचिव थे। उसके बाद दूसरे व्यक्ति के नाम स्वर्गीय शेख अनुल हक जो कि अब्दुल जलील है उनके ग्राम जी का नाम डोमरिया टोला वार्ड नंबर 5 के पंचायत चहटपुर प्रखंड प्लस थाना उनका पड़ता है पालसिया जिला अररिया के निवासी है जो ग्राम कचहरी नए मित्र थे, उनको भी किसी कारण मृत्यु हो गई जिसके जारी किया गया। जानकारी के लिए बता दें दोनों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया यानी 20 फरवरी 2023 को स्वयं नोटिफिकेशन है, यानी कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ जो बात किया गया ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी के नए मित्र जो अलग अलग व्यक्ति हैं जो अलग अलग जिला से बिलोंग करते हैं, किसी कारण इनकी मृत्यु हो गई जिसके कारण पंचायती राज विभाग की तरफ से यानी 8 लाख रुपया जारी किया गया। पहले वाले नोटिफिकेशन में भी 8 लाख था और इस वाले नोटिफिकेशन में 8 लाख, यानी इसमें भी दो व्यक्ति हैं और उसमें भी दो महिलाएं थी। ठीक है, किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो अगर आप उनके जिले से आते हैं या अगल बगल जिले से आते हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि उनका परिवार और उनके सदस्य के पास वीडियो जाए ताकि उनके किसी दलाल के फेरा में ना पड़ना पड़े। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं, तो यही अपडेट वीडियो था। अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खराब भी लगा हो तो भी कमेंट करिएगा क्या खराब लगा है, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अच्छा से अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए भी कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, आपको वहाँ से PDF फाइल मिल जाएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे डिटेल्स हमने ना पढ़ा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको देखना भी अच्छा नहीं लगता है, अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी जानकारी दिया गया हमने छोड़ दिया है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं।